सभी छात्राओं को नमस्कार। आपके ओशनोग्राफी से संबंधित है काफ़ी लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका एक इम्पोर्टेंट लेसन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा या इसे हम टाइड्स भी कह सकते हैं। टाइड्स, टाइड्स मतलब ज्वार एवं भाटा। हम शुरू से ही इस लेसन को पढ़ते आ रहे हैं और इसके बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, अलग अलग बातें हम करते आ रहे थे। पहले हम पढ़ते थे, जब भी हमारे उसमें ये आता था तब मजाक में टीचर या स्टूडेंट कहा करते थे ज्वार की रोटी और भाटा का साग, और इसे कहते हैं ज्वार भाटा। लेकिन कारण क्या है कि हमारे जो पेपर होते हैं वो रिटर्न होते हैं, लिखना होता है हमें, तो ये भ्रांतियाँ कहीं पर समाप्त होते हुए और हमको ओरिजिनल जो बातें हैं वो ही लिखनी होती है, उसी के ही हमें नंबर मिलते हैं। तो यदि हम बातें करें तो आपने न्यूटन महोदय का नाम सुना होगा। न्यूटन महोदय ने 1687 में संतुलन सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? संतुलन सिद्धांत। और संतुलन सिद्धांत में उन्होंने कहा था कि जितने भी खगोलीय पिंड हैं, यानी हम आकाश में या ब्रह्मांड की बातें करें तो जितने भी खगोलीय पिंड हैं वो एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं। जैसे हमारा सूर्य है वो पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है, पृथ्वी में चंद्रमा है या चंद्रमा को आकर्षित कर रहा है, या ये बृहस्पति है ये इसके उपग्रह को कर रहा है, या ये शनि है इसके उपग्रह को कर रहा है। काफ़ी आकाशगंगाएं हैं, बहुत से उल्का पिंड है, उनके पास में जितने भी छोटे बड़े जितने भी खगोलीय पिंड है वो एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं, और उनके बीच में जो बल लगता है, जो उनके बीच में बल लगता है और वो बल ही कहीं न कहीं समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और उसके अनुसार ही यहाँ पर ज्वार और भाटा की स्थिति बनती है। अब हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी से जो चंद्रमा है वो 384,600 किलोमीटर दूर है। वही यदि हम सूर्य की बातें करें तो लगभग 14,90,000 या 95,00,000 वर्ग यानी किलोमीटर दूर है। तो सूर्य हम मान रहे हैं कि पृथ्वी से 13,00,000 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी उसकी दूरी है वो कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो जब सूर्य से जो आकर्षण होगा वो एवरेज बड़े के हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दूरी इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ही कम यहाँ पर लग पाता है। किस पर? पृथ्वी पर। और वहीं जो चंद्रमा है वो छोटा होते हुए भी क्या होता है कि इसकी दूरी मात्र 3 से 4 लाख किलोमीटर है, तो यहाँ पर बल, इसका बल जो लगेगा वो पृथ्वी पर अधिक लगेगा। तो जितने भी ज्वार भाटा वाली जो स्थिति आती है, वो कहीं ना कहीं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज़्यादा लगती है। वैसे हम जनरली बोलेंगे सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जो भी यानी उठापटक होती है या जो भी ऊपर नीचे वस्तु हो रही है वो सभी ज्वार भाटा की स्थिति में आती है। तो यहाँ पर आकर्षण की स्थिति सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगी, लेकिन सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से चंद्रमा से जो आकर्षण शक्ति लगेगी वो अधिक
कारगर होगी और ज़्यादा प्रभावी होगी। यहाँ तक आपके बात समझ में आई? अब हम बातें कर रहे हैं कि ज्वार भाटक कहते कैसे हैं, ज्वार एवं भाटा। देखो जनरली हम बातें करेंगे कि जैसे ये समुद्र है, इधर आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों बने हुए हैं, या सूर्य या चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण जब जल, ये माना कि तट है, आकर्षण शक्ति के कारण जल लहरों के रूप में इस प्रकार से लहरें बन रही हैं, इस प्रकार से लहरें बन रही है। तो जब सूर्य या चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जल ऊपर उठकर और किधर की ओर आए, तट की ओर आए, मतलब स्थल मंडल की ओर आए तो उसे कहेंगे हम ज्वार। जल ऊपर उठा किसका? समुद्र का, समुद्र या महासागर। ऐसे नहीं है तुमने सोच लिया कि बाल्टी को ऊपर उठाकर और नीचे ऊपर उठा लिया बाल्टी के पानी को, उसे ज्वार कह देंगे। नहीं, यानी पानी बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में कहाँ मिलेगा? समुद्र में या महासागरों में। तो उस जगह का जल ऊपर उठकर और किधर की ओर जाए, तट की ओर जाए या स्थल मंडल की ओर जाए, तो उसे कहेंगे हम ज्वार। ज्वार की बात समझ में आई? जब समुद्र का जल ऊपर उठकर या महासागर का जल ऊपर उठकर और किधर की ओर आए, स्थल मंडल या तट की ओर आए, तो उसे कहेंगे हम ज्वार। ठीक है, अब कोई भी वस्तु जब ऊपर उठेगी तो ये के न्यूटन के भी नियम को हम जानते हैं और भी नियम को हमको पता है कि कोई भी वस्तु को ऊपर उछाली जाए तो वो कभी न कभी नीचे जरूर आएगी। तो अब ज्वार का जल जब ऊपर उठ गया तो वो क्लियर है नीचे की ओर भी आएगा। तो जब जल नीचे की ओर आकर और वापस किधर की ओर लौट जाए, समुद्र या महासागर की ओर लौट जाए, तो उसे कहेंगे हम क्या? भाटा। ठीक है, दो बात यहाँ पर आपके क्लियर होनी चाहिए कि ज्वार और भाटा कैसे कहते हैं। जब जल समुद्र या महासागर जब जल ऊपर उठकर तट या स्थल मंडल की ओर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम? ज्वार। एवं ज्वार का जल नीचे गिरकर वापस समुद्र की ओर लौट जाए तो उसे कहेंगे हम भाटा। ठीक है, जब जल ऊपर उठा और स्थल मंडल की ओर आया तो उसे कहेंगे हम ज्वार, और जब वो जल वापस से नीचे गिरकर और वापस किधर आया, समुद्र की ओर आया, तो उसे कहेंगे भाटा। दो शब्दों में यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ज्वार और भाटा किसे कहते हैं। तो ये थी एक जनरल बात कि ज्वार भाटा किसे कहा जाता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो कहीं न कहीं इसमें सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही ऐसा होता है। तो अब यहाँ तक आपके बात क्लियर हुई। अब हम सेकंड पॉइंट यहाँ पर इसके साथ ही ले कर चलते हैं और वो है आपका कि ज्वार भाटा आता कब है, ज्वार भाटे आते कब है।
यानी इनका समय यानी टाइम। ज्वार भाटा आने का समय क्या है? देखो, ज्वार भाटा जनरली 24 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद और 3 घंटे के बाद देखने को मिलते हैं। काफ़ी जगह 24 घंटे के बाद एक बार आता है, काफ़ी बार ये 2 बार आ जाता है, काफ़ी बार ये 4 बार आ जाता है और काफ़ी बार ये यानी बारंबार आता रहता है, कभी भी आ सकता है। तो ये एक बात है कि इनका समय क्या रहता है। लेकिन अब यहाँ पर तो हमारी ये बात हुई कि ये 24 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद आते रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ धारणाओं की बातें करें तो जो पृथ्वी है वो अपने भी अक्ष पर घूम रही है और साथ ही ये सूर्य के भी चक्कर दे रही है। अपने अक्ष पे घूमती है वो 24 घंटे में घूम जाती है और उससे बनते दिन और रात। और जो सूर्य के चक्कर देती है वो 365 दिन सही 1/2 में देती है और इससे बनते हैं आपके वार्षिक या साल या ऋतु या मौसम या आपकी जलवायु। बहुत से फैक्टर हैं जो आपके सूर्य के चक्कर देने की वजह से ऐसा होता है। सूर्य के चक्कर देने की वजह से ही हमारे यहाँ पर शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल सभी काल आते हैं। और एक होता है आपका कि अपने अक्ष पर घूमती है, उससे दिन और रात बनते हैं, तो वो होता है 24 घंटे में। यहाँ पर आपके बात ये यहाँ तक क्लियर हुई। अभी एक इसका उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमता है और साथ ही वो किसके चक्कर देता है? पृथ्वी के चक्कर देता है। भाई पृथ्वी किसके चक्कर दे रही है? सूर्य के। और चंद्रमा किसके चक्कर दे रहा है? पृथ्वी के। अब चंद्रमा जो पृथ्वी के चक्कर देता है इससे बनता है महीने, महीने बनते हैं। और आप टैरिफ डलाते हैं मोबाइलों में तो आपने देखा होगा कि महीना वहां पर कितने दिन का माना जाता है? 28 दिन का। वो चंद्रमा की शक्ति के कारण ही मानते हैं उसको। तो जनरली जो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर देता है वो देता है आपका 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 17.5 सेकेंड। कितने में देता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 17.5 सेकेंड। मतलब हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 17.5 दिन 27 दिन में ये पृथ्वी के एक पूरा चक्कर दे देता है। अब हमें बात क्या करनी है? हमें जो बात करनी है वो ये है कि समय क्या होता है, टाइड्स का समय क्या है, टाइम क्या है। दोबारा से देखें, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार और भाटा आते हैं। अब माना कि मैंने बताया कि 24 घंटे के बाद कहीं पर ज्वार आया, माना कि इस समय यहाँ पर बज रहे 4 बज रहे हैं, सुबह के कितने बज रहे हैं? 4, सुबह के 4 बज रहे हैं और चंद्रमा इस जगह पर है पृथ्वी के, तो यहाँ पर आकर्षण शक्ति सर्वाधिक लगेगी और इस समय 4 बजे के आ जाएगा ज्वार आ जाएगा, 4 बजे के आ जाएगा ज्वार आ जाएगा। अब ये यहाँ पर से चलता हुआ वापस से, यानी 24 घंटे बाद दोबारा इस जगह पर आना चाहिए, लेकिन पृथ्वी तो 24 घंटे में अपने अक्ष पर चक्कर दे रही है, तो ये लगातार ये पृथ्वी भी अपने अक्ष पर चक्कर दे रही है। तो ये जब ये ज्वार यहाँ पर आना चाहिए था, अब ये इस जगह की बजाय
कहाँ आएगा, पहले यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आने के लिए इसको एक्स्ट्रा समय मिलते हैं, और वो मिलते हैं 26 मिनट। वैसे 52 मिनट होते हैं, 52 मिनट। यानी जिस जगह पर पहले 24 घंटे पहले यानी 4 बजे जब ज्वार आया था, उस जगह पर वापस आने के लिए चंद्रमा को एक्स्ट्रा 52 मिनट खर्च करने होते हैं, और ये अगला जो ज्वार आएगा वो 4:52 पर आएगा। इतना याद रख सकते हैं कि पहला ज्वार जो आया था पृथ्वी पे, इस समय यहाँ पर चंद्रमा था, ये पृथ्वी थी, और इस जगह पर आया था 4 बजे। लेकिन जब इसी जगह पर दोबारा आने के लिए, पृथ्वी भी तो अपने अक्ष पर घूम रही है, और पृथ्वी घूम रही है पूरे 24 घंटे में, और ये 27.5 दिन में घूम रहा है, तो इसका एवरेज जो घटकर आता है वो 52 मिनट आ रहा है। तो इस जगह पर वापस आने के लिए चंद्रमा को एक्स्ट्रा समय तय करना पड़ता है, और वो समय होता है 52 मिनट का, और इसलिए अगला जो ज्वार आएगा वो कितने बजे आएगा, 4:52 पर आएगा। क्लियर कट याद कर लो, पहला ज्वार 4 बजे आया, तो अगला 24 घंटे वाला ज्वार कब आएगा, 4:52 पर। माना कि कहीं पर 2 बार आ रहा है, तो वो 26 मिनट के अंतराल पर आएगा। 2 बार आ रहा है तो, 1 बार आ रहा है तो 52 मिनट के अंतराल में आएगा, 2 बार आ रहा है तो 26 मिनट के अंतराल में आएगा, और यदि 4 बार आ रहा है तो 13 मिनट के अंतराल में आएगा। बस 1 बार आ रहा है तो 52 मिनट के अंतराल में, 2 बार आ रहा है तो 26 मिनट के अंतराल में, 4 बार आ रहा है 13 मिनट के अंतराल में, और 12 बार आ रहा है तो 6 मिनट के अंतराल में भी आ सकता है। लेकिन अंतराल जरूर रहेगा, क्योंकि उतने समय में पहुंचने के लिए चंद्रमा को एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है, और वो समय कितना है, 52 मिनट। तो इसलिए यदि 2 बार आ रहा है तो उसका आधा कर लेंगे 26 मिनट, 4 बार आ रहा है तो 26 का आधा कर लेंगे 13 मिनट। तो इस प्रकार समय की हम गणना यहाँ पर कर सकते हैं कि सूर्य यानी चंद्रमा ज्वार भाटा के रूप में कितने समय बाद अपना ज्वार या भाटा वहाँ पर एक जगह पर, जैसे हिंडौन में माना कि 4 बजे ज्वार आया, आज तारीख है आपकी, आज सुबह 4 बजे, और तारीख है आपकी 9/12/2020 को सुबह 4 बजे हिंडौन में ज्वार आया, तो 10/12/2020 को ये आएगा 4:52 सुबह में AM। ठीक है, तो यदि ये 2 बार आता तो यहाँ पर 52 मिनट के अंतराल में, दूसरी जगह ये आएगा आपका जितने भी 6:26 पर। तो इस प्रकार से मतलब इनका समय आप तय कर सकते हैं कि जहाँ पर कितने बजे समय आया, 1 बजे एक टाइम आता है तो 52 मिनट में, 2 बार आता है तो 26 मिनट में, 4 बार आता है तो 13 मिनट के अंतराल में वहाँ पर दोबारा से वापस से ज्वार आएगा। तो ये तो आपका ज्वार भाटा एवं समय। तो ये कुछ टॉपिक थे, ज़्यादा डाइजेस्ट आप नहीं कर पाओगे, ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाएगा, और वीडियो आप मुझे लग नहीं रहा है कि पूरा देख रहे हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें। जय हिंद।